हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वेब डेवलपमेंट के कोर्स में हम देख रहे हैं एचटीएमएल टैग की सीरीज, जिसमें हम एचटीएमएल टैग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उसी सीरीज में जो आज का जो हमारा वीडियो है, वो जो तीन टैग के बारे में है, एक है ABVR टैग, और है एक एक्रोनिम टैग, और एक है DFN टैग। तो इन चीज़ों को हम देखेंगे कि इसको अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में कैसे यूज़ करते हैं। तो आइए इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पे एक जो एचटीएमएल फाइल बनाया हुआ है एक्रोनिम .htm करके, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया है कि पहले जो बेसिक स्केलेटन होता है एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का, उसको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एचटीएमएल ओपन है और एचटीएमएल क्लोज है, और यहाँ पे हेड सेक्शन ओपन है और यहाँ पे हेड क्लोज है, और उसके बीच में टाइटल दिया। टाइटल आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, जैसे हम पढ़ रहे हैं एक्रोनिम टैग के बारे में, तो हमने यहाँ पे लिख दिया एक्रोनिम टैग, ठीक है। यहाँ पे हमने एक्रोनिम टैग लिख दिया, और देखिए यहाँ पे बॉडी ओपन है और यहाँ पे बॉडी क्लोज है। तो इसके बीच में हम एक हेडिंग लेंगे, जैसे यहाँ H1 लेते हैं, ठीक है। हम एक जो हेडिंग लिखते हैं, जैसे यहाँ पे यू आर लर्निंग HTML एंड CSS विथ CWS, ठीक है। यहाँ पे स्पेस देते हैं। अब इसका रिजल्ट देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या है। तो इसको रन करते हैं, ठीक है। इसको हमने रन किया, ठीक है। इसको ब्राउज़र पे देखते हैं, तो इसका जो रिजल्ट कुछ इस तरह है, जैसे हेडिंग के रूप में आ रहा है, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे H1 लिया है, तो यहाँ पे आ रहा है कि यू आर लर्निंग HTML एंड CSS विथ CWS। तो मान लीजिए, अब जैसे आपने कोई वेबसाइट बनाई है और उस पर जो आपका जो क्लाइंट है या फिर जो यूजर है, मान लीजिए आपने आपकी वेबसाइट को उसने एक्सेस किया, वहाँ पे गया और देखा कि यहाँ पे जो HTML क्या है, CSS क्या है, CWS क्या है, तो उसको ये चीज़ नहीं समझ आ रहा है कि यहाँ पे CSS क्या है और CWS क्या है और HTML क्या है। तो आपके पास टैग है, उस टैग के थ्रू आप जब यूजर इस पे कर्सर अपना ले जाएगा, तो वो उसका एक नीचे थोड़ा सा शो करेगा, मतलब एक नीचे टेक्स्ट में शो करेगा कि ये है क्या, ठीक है। तो आइए उसको हम देखते हैं। तो हम जैसे बताना चाह रहे हैं HTML के बारे में, तो जो एक्रोनिम टैग है, जो HTML 5 के वर्जन के जो नीचे के वर्जन थे, उसमें जो एक्रोनिम टैग था, अब जो लेटेस्ट जो वर्जन चल रहा है HTML का, उसमें ABVR आ गया है। तो दोनों को ये सपोर्ट करता है। तो इसमें हम पहले एक्रोनिम को यूज़ करके देखते हैं। यहाँ पर जैसे हमने लिखा एक्रोनिम, ठीक है, यहाँ पे एक्रोनिम का ओपनिंग किया और HTML के बाद इसको एक्रोनिम को क्लोज कर दिया, ठीक है। इसको हमने क्लोज कर दिया और देखिए यहाँ पे एक्रोनिम ओपन है और एक्रोनिम यहाँ पे क्लोज है, और उसके बीच में HTML है। तो जिस टेक्स्ट के बारे में हमको बताना है, उसको हम एक्रोनिम टैग के अंदर लिखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक जो एट्रीब्यूट है टाइटल, ठीक है, उसको हम देते हैं टाइटल, और यहाँ पे हम देंगे HTML के बारे में जो वो है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप, यहाँ लिखा मार्कअप, ठीक है, मार्कअप और लैंग्वेज, ये हो गया मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो अब देखिए इसका जो रिजल्ट कुछ इस तरह आ रहा होगा, ठीक है। इसके नीचे अंडरलाइन आ गई, मतलब इसके नीचे इसके ऊपर एक्रोनिम टैग अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ पे जब आप कर्सर ले जाएंगे, तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ से आप मूव होंगे तो देखेंगे कि ये वो गायब हो गया। अब जैसे ही आप उस पर ले जाएंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ नीचे शो करेगा कि HTML है क्या, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो इसके नीचे डॉट 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 इस तरह आ चुका है, जो कि एक्रोनिम टैग का पहचान है, ठीक है। तो इसी तरह आप जो आपका ABVR टैग है, उसको भी यूज करके देख लेते हैं। अब हम CSS के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, देखिए यहाँ जो CSS दिख रहा है, तो सेम इसी तरह उसको भी यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम गए और यहाँ पे हम लिखते हैं ABVR, ठीक है, और इसके बाद CSS के बाद इसको हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। इसको हमने क्लोज कर दिया, तो अभी देखेंगे तो कुछ रिजल्ट नहीं है, ठीक है। तो अभी इसमें हम टाइटल दिया नहीं है, जिसकी वजह से वो रिजल्ट शो नहीं कर रहा है। तो हम ABVR में एक इसका एट्रीब्यूट है जो टाइटल है, तो टाइटल में हम देंगे उसका नाम, तो इसका नाम है कैस्केडिंग, ठीक है, कैस्केडिंग स्टाइल सीट, ठीक है, कैस्केडिंग स्टाइल सीट। तो सेम वर्क कर रहा होगा जो एक्रोनिम टैग है। देखिए एक्रोनिम टैग के ही जैसा है, नीचे यहाँ पे डॉट डॉट, ठीक है, जो लाइनें आई हैं, देखिए यहाँ पे CSS के ऊपर जब आप ले जाएंगे कर्सर, तो यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। इस तरह देखिए, ये आपका एक्रोनिम टैग है और यहाँ पे आपका
ABVR टैग है, तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ कर सकते हैं। तो एक और टैग है जो DFN है, ठीक है, तो उसको कैसे यूज़ करते हैं आइए उस चीज़ को भी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम CWS को, अब हम CWS के ऊपर DFN टैग को अप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम गए और यहाँ पे हमने लिखा DFN, ठीक है, और हम CWS के बाद यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे हमने इसको क्लोज किया और इसके अंदर एक जो टाइटल एट्रीब्यूट है टाइटल, हम टाइटल देंगे कि CWS क्या है, तो यहाँ पे हम इसका जो है उसका पूरा नाम लिख देते हैं। ठीक है, तो अब जो रिजल्ट देखेंगे तो सबसे अलग ये दिख रहा है, क्योंकि DFN जिस पे अप्लाई हुआ है वो आपका इटैलिक हो जाता है, ठीक है, हल्का सा तिरछा हो जाता है। तो देखिए, अब CWS के ऊपर ले जाएंगे कर्सर तो शो कर रहा है कि ये CWS है क्या। ठीक है, देखिए यहाँ पे वो आपको शो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो आप अपने HTML डॉक्यूमेंट में जहाँ पे आपको नीड हो वहाँ पे आप DFN यूज़ कर सकते हैं, ABVR यूज़ कर सकते हैं, एक्रोनिम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको जो DFN अच्छा लग रहा हो तो यहाँ पे इस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई हो। यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही वीडियो आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टैग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।